वेलकम गेमर्स। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए। अभी तो जा सकता है। प्रैक्टिकल क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली फोन्स रेकमेंड करने वाला हूं, सजेस्ट करने वाला हूं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि 50-60 हजार खर्चा करना सबके बजट में नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। सो मैंने 25 हजार का बजट सेट किया है एंड मैं ऐसे फोन्स इस रेंज में सजेस्ट करूंगा जो आईफोन 12 जैसे डिवाइसेस को इजीली बीट कर सकता है। हाँ, 25 हजार। और दो रीजन है इसके। नंबर वन, चीप सो कॉल्ड परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन एक्चुअली हेवी गेम्स नहीं चला पाते। नंबर टू, हाई बजट भी सब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 25 हजार काफी सही एक बजट है। सो एक एक करके बात करते हैं। बट बिफोर दैट, हेलो फ्रेंड्स, का शराब दिखर टेक्निकल्स का YouTube चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लाइक प्लीज। सो नंबर 5 पर है Vivo T2 Pro। Vivo एकदम मस्त सेल्फी लेने के लिए मशहूर है और V सीरीज तो तुम्हें पता ही होगा, बट ये अलग है क्योंकि इधर एक काफी दमदार प्रोसेसर मिलता है। टॉकिंग अबाउट MediaTek Dimensity 7200। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं ना। आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। ये Snapdragon की 870 के बराबर है। गेम 60 FPS पर काफी बढ़िया चल रहा है। साथ में तुम्हें मिलता है 8GB ऑफ रैम एंड 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक बढ़िया AMOLED डिस्प्ले। इससे गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी सही रहेगा। मतलब COD एंड BGMI का ग्राफिक्स अभी काफी खूबसूरत हो चुका है, तो गेम के वक्त उन ग्राफिक्स को तुम बढ़िया से एंजॉय कर पाओ। और डिस्प्ले अच्छा होना जरूरी है। बैटरी मुझे काफी कम लगा, 4600 mAh का बैटरी है, मतलब 3-4 घंटे तक तुम गेमिंग कर पाओगे, उससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, 66W का फास्ट चार्जिंग है, तो काफी जल्दी रिचार्ज हो जाए। सो ये गेमिंग फोन बकेट लिस्ट में होना चाहिए अगर तुम गेमिंग फोन खरीदना चाहते हो। बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। सो नंबर 4 पे है ऑब्वियसली IQ Z7 Pro। ये फोन बहुत ही खूबसूरत है एंड मिड रेंज में बढ़िया डिजाइन के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस, एक रेयर कॉम्बिनेशन। तुम्हें इस पर भी MediaTek Dimensity 7200 देखने को मिलेगा। हाँ, जो exactly Vivo T2 Pro में। And as I said before, ये प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। वैसे इतना खूबसूरत डिजाइन होते हुए भी मेरे को लगा था कि बैटरी और भी ज्यादा कम होगा, बट स्टिल सेम ही है। 4600 mAh का बैटरी एंड 66W का फ्लैश चार्जिंग तुम्हें इधर मिल जाएगा। इस डिवाइस में गेमिंग का विजुअल एक्सपीरियंस टॉप नॉच होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि देख के मजा आएगा। मतलब गेम्स का ग्राफिक्स हाई, रीजन है 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बेजललेस पंच होल डिस्प्ले दिया गया एंड ये कर्व डिस्प्ले, तो इट इज प्रीमियम। मतलब ये फोन खरीदने के बाद तुम्हें एक ओवरऑल बढ़िया डिवाइस मिल जाएगा जिसका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है एंड अगर सही डील देखकर खरीदो तो ये तुम्हें 21,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि सुपर वैल्यू फॉर मनी। चलो अभी थर्ड फोन के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 पर है Infinix Zero 30। इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। Infinix अच्छा काम कर रहा है यार, डिजाइन काफी इंप्रूव हो रहा है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसर दिया गया जो कि है MediaTek Dimensity 8020। अब ये Snapdragon के प्रीवियस ईयर के फ्लैगशिप चिपसेट 888 से भी बेहतर, सो ये काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। एंड इस डिवाइस 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया और 144Hz इस रेंज में बहुत ही कम ब्रांड्स दे रहा है एंड उसी के साथ ये कर्व डिस्प्ले भी है, सो इंटरेस्टिंग या फिर कह लो बेहतरीन डिस्प्ले। साथ में है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, तो गेम खेलते खेलते अगर तुम हार जाओ और गुस्से से डिवाइस को फेंक दो तो डिस्प्ले सेफ रहेगा, ऐसा मत सोचना। वैसे बैटरी भी मुझे बहुत ही सही लगा। इधर 5000 mAh का बैटरी एंड 68W का फास्ट चार्जिंग दिया गया और अभी के टाइम पे ये डिवाइस 21,000 से 22,000 में मिल रहा है एंड कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस ये एक बहुत ही सही प्राइस है, सो तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। अब टॉप 2 प्रवेश कर चुका है एंड नंबर 2 पर है लावा अग्नि 2 5G। इसमें है एक कर्व्ड AMOLED 120Hz डिस्प्ले एंड बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है। मैंने खुद रिव्यू किया और मैंने इसको अच्छे से यूज करके देखा, बहुत ही प्रीमियम फील होता है ना सिर्फ गेमिंग में बट ओवरऑल यूसेज में। और बैटरी की अगर बात करो तो फिर थोड़ा सा कम है, 4700 mAh का बैटरी है और 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ में MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर जो एकदम मक्खन की तरह गेम्स को रन करता है एंड 256GB का स्टोरेज डायरेक्टली मिल जाता है, इससे कम वाला वेरिएंट है ही नहीं। हाँ, बेस वेरिएंट ही 256GB का, जो मुझे बहुत ही सही लगा। इस फोन का सॉफ्टवेयर बहुत ही क्लीन है, एक्स्ट्रा फालतू एप्स देखकर फोन को इरिटेटिंग नहीं बनाया और गेमिंग के साथ ही साथ तुम इसको एज ए डेली ड्राइवर भी बहुत ही आराम से यूज कर पाओगे, काफी लंबा यूसेज के लिए भी बेहतर है। एंड एक्चुअली में लावा ने इस डिवाइस पर बहुत ही बढ़िया काम किया, मतलब लॉन्च से पहले ना बहुत ही हाइप फोन था, लोग सोच ही नहीं पा रहे थे इतना कुछ लावा कैसे प्रोवाइड कर सकता है। एंड रियली मैम, डिजाइन परफॉर्मेंस प्राइसिंग एकदम ऑन पॉइंट है, बट गलती से कैमरा के लिए मत लेना इस फोन को, पोर्ट्रेट बहुत ही बेकार है। हाँ, प्राइसिंग तो बताना भूल ही गया। सो इसको तुम प्रॉपर डिस्काउंट के साथ 20,000 में खरीद सकते हो, अच्छा फोन है। अब नंबर 1, अगर तुम थोड़ा सा बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब 25,000 से 1-2 हजार ज्यादा हो या फिर एक प्रॉपर डिस्काउंट का वेट कर सकते हो, तो पोको X6 Pro इज द डिवाइस। बहुत ही सही डिवाइस, ये करीब 27,000 का
है, अगर बैंक डिस्काउंट वगैरह ग्रैब करो तो 25,000 में ये तुम्हें मिल सकता है। पोको के इस डिवाइस में मीडियाटेक डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा दिया गया, ये लिस्ट का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, जो तुम्हें शायद 40,000 वाले स्मार्टफोन्स पर ही देखने को मिलेगा। पोको एफ फोन याद है, उसका याद दिलाता है, क्योंकि ऐसा प्रोसेसर इस प्राइस पे अनबिलीवेबल। साथ में तुम्हें मिलेगा वाइल्ड बूस्ट 2.0 जो गेमिंग को और भी ज्यादा एनहांस करता है। बेसिकली तुम्हें प्रोसेसर का पूरा ताकत देखने को मिलेगा इस गेमिंग मोड को ऑन करने के बाद। और इसमें ना UFS 4.0 स्टोरेज जो कि फास्टर लोडिंग में मदद करता है, आईफोन 12 तक को भी ये परफॉर्मेंस में बीट कर देगा आराम से। बाकी इसमें 5000 एमएच का बैटरी है, 67 वोल्ट का चार्जिंग एंड 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। सो ओवरऑल दिस इज अ गेमिंग बीस्ट फॉर श्योर। इसका मैंने फुल रिव्यू वीडियो भी बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर बजट है तो फिर तुम डेफिनेटली इस डिवाइस को ही कंसीडर करना, ठीक है। बाकी जितने भी फोन्स मैंने मेंशन करा है वो सभी एक से बढ़कर एक। सो लिस्ट कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, सभी का तुम्हें परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर तुम वहां से जाकर परचेस करोगे तो फिर चैनल का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। सो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिनका बजट है 20-25,000 के आसपास, उनको एक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी परचेस करना है, तो फिर उन्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किसको परचेस करना है, उससे मेरा भी फायदा हो जाएगा रिकमेंडेशन। बाकी अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं वीडियो के साथ, सो गुड बाय।